छोटे और मध्यम व्यापारियों को दी जाएगी एक्स्ट्रा पूंजी। महामारी की थर्ड वेव के बीच केंद्र सरकार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए बजट 2022 लेकर आई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। एमएसएमई सेक्टर यानी छोटे और मध्यम व्यापार के लिए कर्ज गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 1,30,00,000 एमएसएमई को अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा ताकि वो कोरोना महामारी से उबर सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को संसद में 2021-22 की जो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की है उसमें ये अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष 2022-23 में 8 से 8.5% की दर से बढ़ेगी। समीक्षा के मुताबिक 2022-23 का वृद्धि अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि आगे कोई महामारी संबंधी आर्थिक व्यवधान नहीं आएगा, मॉनसून सामान्य रहेगा, कच्चे तेल की कीमतें $70 से $75 प्रति बैरल के दायरे में रहेंगी और ग्लोबल सप्लाई चेन पर कम असर रहेगा। आर्थिक समीक्षा की उम्मीद जाहिर की गई है कि अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष के दौरान 9.2% की दर से बढ़ेगी, जो महामारी से पहले के स्तर के मुकाबले सुधार का संकेत है। बजट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर भी सरकार का फोकस है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को एक अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले 5 सालों के दौरान 60,00,000 नए रोजगार और 30,00,000 करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता रखी गई है। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।